ओम शांति। प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये शक्ति है, पर यज्ञ में यूज ही नहीं कर रहे हैं, यूज ही नहीं किया जाता है। मेरी कहां से आई, मेरी कहा मैली हुई, कोई भी गुण है, कोई भी शक्ति है, कोई भी विशेषता है, मुझमें ना ये विशेषता बहुत अच्छी है, मेरे में ना ये कला बहुत अच्छी है, मैं ना सबके साथ ऐसे ऐसे बहुत अच्छा है मेरे अंदर, मेरा कहा माना मैला हुआ। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। भक्ति मार्ग में भी ये याद कराया जाता था कि मेरा नहीं कहना, तेरा तेरा कहना। कुछ याद आया? ये चीज ना मैं लाई थी, ये चीज ना मैंने लाई, मेरी हर चीज पर आप किया सकते। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, गानी करना कभी भी किसी के सामने कि ये तुमने किया, ये किया, वो किया, पता नहीं लगने देना, ऐसे ही करते थे ना गुप्त। अगर कहीं पे पता लग गया कहते ले जो भी सफल ही नहीं हुआ, ये तो सफल ही नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ माना माना वो लगा ही नहीं, ये तो जग जाहिर हो गया सफल ही नहीं हुआ। और आप ब्राह्मण अपने आप में देखें, हर छोटी छोटी चीज पर क्या बोलते हैं, ये मैंने किया, मैंने किया, मैं ऐसा करती, मैं ऐसा करती, मेरे में ये गुण बड़ा अच्छा है, मेरे में ये बड़ी अच्छी विशेषता है। जहां मेरा कहा वहां मैलापन आया, फिर कहते हैं हमारी स्थिति नहीं बनती। अब इतना मैलापन होगा, स्थिति कहां से बन जाएगी बताओ। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, क्या मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहां नहीं चलती। इसीलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना, माना भगवान की देन है वो चीज जो आपके पास है, उसे अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। ने प्रभु प्रसाद को अपना मान लिया, जो भगवान ने आप में गुण दिया है, कोई शक्ति दी है, कोई कला, कोई विशेषता, आपने मेरी ये बड़ी अच्छी है, प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। समझा? ओम शांति।